जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केकेसी गैंग के सरदार शाहनवाज खान के बारे में कि क्या कहा दुर्लभ कश्यप की गैंग के लिए शाहनवाज खान ने अपनी स्टोरी में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, दुर्लभ कश्यप हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था वो शाहनवाज ही था, क्योंकि शाहनवाज ही केकेसी गैंग को चलाता है। इसलिए जो डी कंपनी का मुख्य दुश्मन है वो है शाहनवाज खान। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा आज से कई महीनों पहले दोनों गैंग कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई थी, जिसके बाद एक दूसरी गैंग के मेंबर लाइव आया करते थे और आपस में डी कंपनी गैंग के सदस्य शाहनवाज की गैंग को धमकी देते थे और शाहनवाज की गैंग के सदस्य डी कंपनी को धमकी देते थे, जिसके बाद वो धमकियों को सीरियसली लेकर कुणाल डोरेमोन ने एक बड़े कांड को अंजाम दे दिया था। उसने शाहनवाज गैंग के सरफराज खान को 22 बार चाकू मारकर उसको घायल कर दिया था। बाद में फिर दोनों गैंग के लोगों ने लाइव आना कम कर दिया था, लेकिन फिर अब दोबारा दोनों गैंग सक्रिय होने लगी है। उधर डी कंपनी के सदस्य चैन सी के और शानू बावा ने अनिल दीक्षित हत्याकांड को अंजाम दे दिया था और इधर शाहनवाज खान भी बहुत दिनों बाद अपने इंस्टाग्राम पर दोबारा एक्टिव हो गया है और रोज स्टोरियां शेयर करता है। इसी बीच उसने दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्यों को पोक करते हुए एक स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में लिखा है, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। इस स्टोरी को शाहनवाज खान ने दुर्लभ कश्यप गैंग के सदस्यों के लिए शेयर की है, क्योंकि वो दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद शाहनवाज खान को जान से मारने की धमकियां देते हैं। इसी को लेकर कहा है, ये सिर्फ कहानियों में दूसरा मौका मिलता है, असल जिंदगी में नहीं मिलता। तो आप क्या सोचते हैं इस पोस्ट के बारे में? क्या ले पाएगी डी कंपनी गैंग दुर्लभ कश्यप का बदला? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।